नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेस्ट किडनी चैनल किडनी ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा में, जहां आपको मिलेगी आपकी किडनी से जुड़ी बहुत सारी जानकारी बहुत आराम से। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी में होने वाले प्रोटीन लॉस की समस्या के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें बिना स्किप किए हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी महिलाओं को अक्सर प्रोटीन लॉस की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से उनके किडनी खराब होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, डिलीवरी के टाइम पर भी प्रेग्नेंट लेडी को परेशानी हो सकती है। आमतौर पर प्रोटीन लॉस गर्भावस्था के दौरान सामान्य बात है, लेकिन अगर यह 24 घंटे में 300 मिलीग्राम से अधिक होती है तो यह गंभीर समस्या है। ऐसा होने पर महिला को जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। प्रोटीन लॉस की ये समस्या प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते में हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाली प्रोटीन की यह समस्या हाई ब्लड प्रेशर और ज़्यादा दवाएं लेने की वजह से हो सकती है। अक्सर महिलाओं को ऐसे टाइम पर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, जो कि टेंशन लेने या शरीर में चल रहे बदलावों की वजह से होता है। वहीं इस दौरान कैल्शियम और प्रोटीन की ली जाने वाली दवाएँ भी इसकी वजह बन सकती हैं। ऐसे में महिलाओं को टेंशन से जितना हो सके उतना बचना चाहिए और साथ ही दवाओं के साथ साथ डाइट पर भी खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस बारे में कोई खास जानकारी लेना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से संपर्क कर सकती हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगी और आप बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। आपकी मदर का नाम? उमा देवी। अच्छा, तो जब आप आए थे तो आपका डायलिसिस चल रहा था? डायलिसिस चल रहा था। बताइए। लेकिन उसके बाद में जब से मैंने आपकी दवाई ली उसके बाद डायलिसिस मैंने बंद करवा दिया। अच्छा, जब से कंटिन्यू मैं आपकी मेडिसिन ही ले रहा हूँ। अच्छा, डायलिसिस जब से मैंने नहीं करवाया। अच्छा, तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रही कभी बीच में आपको? नहीं, पेशेंट को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई तो डायलिसिस करवाने की मैंने जरूरत नहीं समझी। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई बीच में? कोई परेशानी आई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले आप हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस करा रहे थे? दो बार। अभी आप डायलिसिस करा रहे हैं? बिल्कुल बंद है। बिल्कुल बंद है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? ठीक है, थैंक यू।